अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ SDNC। लास्ट जो हमने पढ़े हैं वी शेप्ड मॉडल इन वाटरफॉल मॉडल, तो उसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल थे फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। इन इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल मॉडल बिल्ट एन आइटरेटिव अप्रोच इनटू अ वाटरफॉल मॉडल। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर मोर मैनेजेबल आइट्रेशंस। जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा ये उसी तरह ही है, उसमें ये सारे स्टेप्स हैं, मगर उसी के स्टेप्स को बार बार हम आइटरेटिवली रिपीट करेंगे। वी विल रिपीट ऑल दी स्टेप्स वन अगेन एंड अगेन, ऑल स्टेप्स। इन वाटरफॉल मॉडल नो स्टेप विल बी रिपीटेड अगेन। ईच आइट्रेशन पासिस थ्रू अ मिनी वाटरफॉल प्रोसेस। ईच आइट्रेशन, यू नो अबाउट द आइट्रेशन, आइट्रेशन इज़ अ साइक्लिक प्रोसीजर, कि एक प्रोसीजर कंप्लीट होता है फिर दोबारा होता है फिर दोबारा होता है। तो देट इज़ ऑल्सो लाइक द वाटरफॉल मॉडल, बट इन वाटरफॉल मॉडल वी विल नेवर एग्जीक्यूट द फेजेस अगेन। बट हेयर ऑन द कंप्लीशन ऑफ वन आइट्रेशन वी विल स्टार्ट अनदर आइट्रेशन। ओके, वाटरफॉल प्रोसेस requirements, okay, requirement design implementation and testing phases are completely for each iteration as in the figure. यहाँ पर बता रहे हैं ना कि requirement है, design implementation and testing phase are completed for each iteration. हर iteration के लिए requirement phase, design phase, implementation and unit testing, integration and system testing and operation. ये एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। बाय द साइन ऑफ एरो यू कैन सी दैट विल बी द फर्स्ट आइट्रेशन। मतलब ये स्मॉल वाटरफॉल मॉडल्स के मतलब जो है एक एक आइट्रेशन एक वाटरफॉल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये पूरा एक आइट्रेशन कंप्लीट होता है, मीन एक स्मॉल आइट्रेशन जो है जो कि एक वाटरफॉल की तरह, वाटरफॉल मॉडल की तरह है, तो इसमें ईच आइट्रेशन इज़ जस्ट लाइक अ वाटरफॉल मॉडल। डेवलपमेंट्स बिगिंस विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड हाई लेवल डिज़ाइन। फर्स्ट वी विल डू द रिक्वायरमेंट फेज़। ओके, रिक्वायरमेंट फेज़ में हमने सारी रिक्वायरमेंट्स, हम इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इन द स्टार्ट ऑफ द SDLC मॉडल। ओके, तो रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हाउ वी गैदर द रिक्वायरमेंट्स, यू नो अबाउट द रिक्वायरमेंट स्टेज, इसके बारे में दोबारा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। एंड हाई लेवल डिज़ाइन, यू नो अबाउट द हाई लेवल डिज़ाइन, द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो हाई लेवल पे मतलब एक जो उसके डिटेल्स में नहीं, उसका एक एक्सटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ इट विल रिस्पॉन्ड टू द यूज़र, कि किस तरह ये रिस्पॉन्स करेगा, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। एंड देन रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इन टू द iterations, ठीक है। द इंक्रीमेंटल मॉडल इज इवोल्यूशनरी, मीनिंग दैट द वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट iteration, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट iteration बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ अर्लियर iteration। हर एक iteration जब एक कंप्लीट होता है, सपोज रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग है, और इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग एंड देन ऑपरेशन, सो फर्स्ट आइट्रेशन विल बी कम्प्लीट। सो फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट अगेन, जहाँ पे यहाँ ऑपरेशन, और यू नो अबाउट द ऑपरेशन स्टेज फेज, यहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर को बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि ये आया अपना जिस मकसद के लिए बना है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है।
फिर है लो लेवल डिज़ाइन इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन एंड यू नो टेस्टिंग इवेल्यूएट द फंक्शनैलिटी एट ड्यूरिंग द करंट आइट्रेशन सिस्टम टेस्टिंग इवेल्यूएट्स द वे इन विच द न्यू फंक्शनैलिटी अफेक्ट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ एंटायर सिस्टम। जब हम एक दफ़ा ये एक आइट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है तो फिर हमारे पास अगर कुछ और रिक्वायरमेंट्स आ रही है अकॉर्डिंग टू द यूज़र, कि जिस तरह हमने पहले में पढ़ा है ना कि हमारे पास भी रिक्वायरमेंट अगर नॉन हो तो तब हम करेंगे, इसमें अगर रिक्वायरमेंट नॉन ना हो, एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हम अगले आइट्रेशन में रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, ताकि हमारे अगर और उसकी जो है हमने इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है या हमने इसको इन्हेंस करना है अच्छे तरीके से, उसमें कोई अच्छी क्वालिटीज़ एम्बेड करनी है, सो यू हैव टू स्टार्ट अनदर आइट्रेशन। सही है, तो इसके लिए हर एक आइट्रेशन का अपना अपना जो है, मतलब उसमें हर नया नया वर्जन इम्प्लीमेंट हो जाया करेगा, मतलब पहला वर्जन पहले आइट्रेशन में, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है हम उसको उसमें और चीज़ें हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम उसमें दोबारा एक नया आइट्रेशन हम उसको दोबारा जो है एक नए जो उसमें इंटर कर लेंगे, ताकि एक नए तरीके से हम नई रिक्वायरमेंट्स पर नया डिज़ाइन उस लिहाज से मतलब करंट सिस्टम में सारी चेंजेस हम करेंगे, जितना भी हमने एक सिस्टम बनाया है उसके बाद फिर जो है उसके लेटेस्ट वर्जन या बनाएंगे लेटेस्ट फर्दर इसके नए वर्जन्स इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल इन द नेक्स्ट वीडियो।